भिवंडी में लगातार आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए चार नई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई हैं। भिवंडी कॉरपोरेशन की तरफ से चार फायर ब्रिगेड गाड़ियों को लाकर कोम्बलपाड़ा इलाके में रखा गया है और कहीं भी आग लगने की सूरत में ये गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। भिवंडी कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सख्त हो गई है और ये ऐलान किया गया है कि अगर टैक्स ना भरा गया तो प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी, जिसके लिए कॉरपोरेशन के टैक्स डिपार्टमेंट ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और लोगों को लगातार बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए रिमाइंडर भी दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये सीसीटीवी फुटेज काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें देखा गया कि एक शख्स रास्ते से गुजर रहा था, तभी उस पर वहां मौजूद बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर से एक मिट्टी की गोनी गिर गई। अचानक हुए इस हादसे में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने शख्स को जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां ये शख्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है। थाने में देर रात शिंदे ग्रुप और ठाकरे ग्रुप में विवाद हो गया, जिस वजह से इलाके में हड़कंप मच गया था। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों गुटों का विवाद बढ़ता गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले की जाँच जारी है। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी के मुंबई समेत 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स द्वारा रेड की गई है। खबरों के मुताबिक अननोन इन्वेस्टमेंट को लेकर ये रेड कंडक्ट की गई थी और उस वक्त एसपी लीडर अकोला जिले के दौरे पर थे। रेड की वजह से उनका दौरा भी रद्द हो गया है। इसी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अबू आसिम आजमी के बिजनेस पार्टनर की भी छानबीन की है। नेशनल हाईवे नंबर 61 के 3 किलोमीटर हिस्से की खराब हालत से परेशान होकर कल्याण में एक प्राइवेट स्कूल के तकरीबन 125 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ ने मिलकर सड़क की मरम्मत की शुरुआत की है। मंडे को सभी लोगों ने जेसीबी और रोड रोलर की मदद से खराब सड़क को बनाने का काम शुरू किया, जिससे बच्चों और उनके पेरेंट्स को स्कूल आने जाने में परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि इस रोड को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने अब तक काम शुरू नहीं किया और शिकायत के बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनी गई। भिवंडी में पिछले दिनों पब्लिक कोर्ट का एहतमाम किया गया था, जिसमें नागरिकों द्वारा दर्ज किए गए 2000 मामलों को सुलझाया गया। ये मामले ज्यादातर खानदानी झगड़े, चेक बाउंस होना और कंपनी के लॉज वगैरह के बारे में थे और एक दिन में 2000 से भी ज्यादा मामलों को सुलझाया गया है। भिवंडी के कल्याण रोड स्थित इस म्यूनिसिपल उर्दू प्राइमरी स्कूल की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 61 सालों से यहां एक छोटे से कमरे में पहली से चौथी तक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहां पर बच्चों की सुविधा के नाम पर वॉशरूम तक अवेलेबल नहीं है और 61 सालों बाद भी ये स्कूल इसी तरह चल रहा है और कॉरपोरेशन इस स्कूल को तो जैसे भूल चुकी है। पुणे शहर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बस ड्राइवर और बाइक सवारों में हाथापाई हो रही है। सूत्रों के अनुसार बस ड्राइवर ने बाइक को ओवरटेक किया, जिसके बाद दोनों में बहस होने लगी और बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई में बदल गई और काफी मारपीट की गई। मुंबई में अब टैक्सी पर लगेगी कलर कोड LED लाइट। ये लाइट 3 कलर इंडिकेट करेगी, जिसमें रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर्स शामिल होंगे। ये लाइट इसलिए लगाई जा रही है जिससे लोगों को ये पता लग जाए कि टैक्सी खाली है या नहीं। जैसे रेड लाइट का मतलब होगा कि टैक्सी में ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, ग्रीन लाइट का मतलब होगा कि टैक्सी खाली है और व्हाइट लाइट का मतलब होगा कि ड्राइवर अब ऑफ ड्यूटी हो रहा है, जिससे लोगों को खाली टैक्सी ढूंढने में आसानी होगी। 31 मार्च 2023 से पहले पहले सभी टैक्सी पर कलर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।